कंटिन्यूअसली बन जा रहा भाई उसका नंबर। मैंने भी कई बार ट्राई किया है यार। अदनान, वैसे आज तुम्हें 7 साल बाद उसकी याद आई है। यार नुसरत, वैसे मुझे याद आया, लास्ट टाइम वो जब आई थी उसने कुछ मुझे एड्रेस बताया था अपना, बहादुराबाद समथिंग समथिंग। सो मैंने डायरी में नोट किया था। अब वो डायरी चेक करो। लाती हूँ, एक मिनट। साइम, तुम ना पागल हो गए हो यार, वो इतना छोटा सा है। यार समीर, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने उसकी आंखों का कलर चेंज होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कह रहा हूँ तुम भी उससे माफी मांग लो, वरना। वरना क्या साइम, केजी के बच्चों को जाना बातें नहीं करूँ। सुपर पावर सिर्फ फिल्मों में होती हैं। अच्छा यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, जब तुम्हारा दिमाग सही हो जाए ना फिर हम एक साथ खेलेंगे। साइम ने कहा था ना मुझसे माफी मांग लो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या हुआ नान? नुजरत ने कुछ बताया? कोई इन्फॉर्मेशन थी उसके पास? हाँ, एक एड्रेस दिया था उसने मुझे, जो अबिया ने 7 साल पहले उसे दिया था। गए आप वहां पर? अभी वहीं से आ रहा हूँ। आपको वो मिले थे? आमना, उस जगह को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वहां कोई रहता होगा। ऐसा लगता है कि कई सालों से वो बात पड़ा है। आपने वहां किसी नेबर से पूछा क्यों नहीं? वो लोग वहां रहते भी थे या नहीं? 7 साल पुरानी बात है यार, किसी को क्या याद हो। ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने वो घर छोड़ दिया हो, और नेबर्स में से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो, शायद उनको अपना नई जगह का एड्रेस दिया हो। हाँ, हो सकता है। मैं काम करता हूँ कि कल ऑफिस जाने से पहले एक और चक्कर लगा दूँ, किसी से पूछता हूँ, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन हो जाए।
गम है कोई तो सितम है, कभी तूने जाना नहीं है। क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं। जो सब खून रोए तो दामन भिगोए, जो सब खून रोए तो दामन भिगोए, भरा ये पैमाना कोई जिसकी जस्तजू है पर्दों में रहता छुपा। धुंधला सा वो साया मेरे रूबरू है, जल के वो जैसे बुझा। जान के भी शायद जान मैं न पाऊं। Excuse me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी मैं आपको ऐसे बीच सड़क पे रोक रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। आप इसी एरिया में रहते हैं? या मैं आगे रहता हूँ। अच्छा, ये इस घर में कौन रहता था? ये गालिबन एक औरत रहती थी यहाँ पे। आप खातून तो पता नहीं, लेकिन 6-7 साल पहले मिर्जा साहब रहते थे घर में। अब तो उनका भी इंतकाल हो गया है। हाँ, एक फैमिली रहती है इस घर में अभी। लेकिन जनाब यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। हाँ, बड़े गेट पे तो ताला लगा होता है उनके, लेकिन जो दूसरा गेट है वो खुला रहता है। अच्छा, ये कौन साहब है, मुझे नाम बता सकते हैं आप उनका? ये शायद किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कोई जानता भी नहीं है। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। यही है वो साहब। साहब जी, आप इधर? तुम यहाँ यहाँ रहते हो? जी साहब जी, ये मेरा गरीब खान है। आओ चाय मैं पिलाऊँ आप। जरूर जरूर। अभिया कहाँ पर है? पता नहीं साहब, मुझे क्यों पता होगा, आपको पता होगा जी। उसने अपनी दोस्त को यहाँ का पता दिया था। वो यहाँ रहती है तुम्हारे साथ? नहीं साहब जी, हमारे साथ क्यों रहेंगे वो। हाँ, वो कुछ साल पहले आई थी अपनी पुप्पी के साथ, 2-3 दिन यहाँ रही, घर वर ढूंढ रही थी, फिर वो मिल गया उनको घर, वो चली गई यहाँ से। तुम्हें मालूम है कि अब कहाँ गई है वो? साहब जी हमें क्यों बताएंगे, हम तो गरीब आदमी। इतने बड़े घर में रहते हो और खुद को गरीब बोल रहे हो? साहब जी क्यों मजाक करते हो, हम तो यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, और हमारा साहब लोग मुल्क से बाहर रहता है ना, हम यहाँ की रखवाली करता है इसे। ये कौन है? साहब जी हमारा बच्चा है, हम यहाँ अपनी घरवाली और बच्चे के साथ रहते हैं ना। शाहजहाँ सलाम करो, हमारा पुराना साहब है ये। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। चलो मैं चलता हूँ। अभिया के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। अच्छा जी साहब, कुछ भी पता चला मैं बताऊंगा, आपके घर आ जाऊंगा। आपका घर वही पुराने वाला है ना? हाँ हाँ वही वाला। ठीक है साहब, सलाम। अल्लाह हाफिज़।